हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीरज मुंजाल पहलाजानी। आज आप सबसे बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, यानी कि बच्चेदानी के मुंह जिसे हम बोलते हैं सर्विक्स, उसके कैंसर से बचाव के लिए जो वैक्सीन या टीका आया है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सर्वाइकल कैंसर आखिर क्या है? सर्वाइकल कैंसर कुछ नहीं, एक तरीके का वायरल इन्फेक्शन है और इसमें जो वायरस इन्वॉल्व होता है उसे हम बोलते हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। अगर हमारे शरीर में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से लड़ने की ताकत हम लोग पहले ही डेवलप कर देते हैं, तो जब भी ये वायरस हमारे शरीर में अटैक करेगा तो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम, यानी कि हमारे शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता, जिसे हम प्रतिरोधक क्षमता भी बोलते हैं, अगर वो अच्छी रहेगी तो इससे पहले कि ये वायरस कुछ नुकसान पहुंचाए, ये वायरस ख़त्म कर दिया जाता है। तो बेसिकली यही एक पर्पस है सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का, कि सेक्सुअली एक्टिव होने से पहले ही हम शरीर में इस इन्फेक्शन को इस तरीके से क्रिएट कर दें ताकि जब एक्चुअली में ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस बच्चेदानी के मुंह पे इन्फेक्शन लाने की कोशिश करेगा, तो इस वैक्सीन के ज़रिए जो हमने इम्यूनिटी डेवलप करी है तो वो उस वायरस को पहले ही ख़त्म कर देगा ताकि कैंसर होने की शुरुआत ही ना हो पाए। तो ये इंटेंशन के साथ हम लोग वैक्सीनेशन में जाते हैं। लेकिन वैक्सीन को कब लेने का सही समय है, कितना डोज लेना चाहिए, क्या ये हमें 100% प्रोटेक्शन देता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले होता है कि ये वैक्सीन लेने का सही एज क्या है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन ज़्यादातर सेक्सुअली एक्टिव होने के बाद आता है, तो अगर हम इस वैक्सीन का इस्तेमाल सेक्सुअली एक्टिव होने के बाद कर रहे हैं तो ज़्यादातर केसेस में ये यूजलेस रहता है। इसके लिए बेस्ट एज होती है वो यंग गर्ल, जिनमें अभी जस्ट पीरियड स्टार्ट हुए हैं, और अगर हम किसी तरीके से उसे मिस कर जाते हैं तो सेक्सुअली एक्टिव होने से पहले अगर हम इस वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी इफ़ेक्टिविटी, यानी कि इसका असर सबसे ज़्यादा रहेगा। ये वैक्सीन मार्केट में अलग अलग नाम से अवेलेबल होती है, लेकिन ज़्यादातर ये 3 डोज में दिया जाता है, यानी कि 3 बार दिया जाता है। और अलग अलग ब्रांड्स की अगर हम वैक्सीन इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सा डोजेज शेड्यूल में अंतर हो सकता है, वो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिशियन से बात करके समझ सकते हैं। लेकिन ये 3 डोज में दिया जाता है और ज़्यादातर अगर हम फर्स्ट डोज को 0 डोज मानते हैं तो फर्स्ट डोज अगर आज यानी कि जनवरी में दी गया है तो सेकेंड डोज को हम 1 महीने के बाद और फिर 3rd डोज को हम 4th या 6th मंथ में देते हैं। अगर हम ये कोर्स कंप्लीट करते हैं तभी हमारा इम्यून सिस्टम पूरे तरीके से डेवलप हो पाएगा। तीसरा, अक्सर ये लोग ये पूछते हैं कि अगर हमने ये वैक्सीन लगवा लिया है तो क्या हम इससे बच्चेदानी के कैंसर से 100% मुक्ति पा सकते हैं कि नहीं। तो इसका जवाब मैं देना चाहूँगी, नहीं। अभी तक साइंस में ये प्रूव नहीं हुआ है कि क्या ये वैक्सीन हमें 100% इम्यूनिटी देते हैं या नहीं। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर हमने ये वैक्सीन का इस्तेमाल कर भी लिया है तो भी ज़रूरी हो जाता है कि हम टाइम टू टाइम गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा करके पैप टेस्ट, जो कि एक साधारण सा टेस्ट है जिसके ज़रिए हम लोग ये पता कर सकते हैं कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होने तो नहीं वाला है, या अगर हो गया है तो हम उसे शुरुआती स्टेज में ही पकड़ सकते हैं, इसके साथ में करना ज़रूरी है। खासकर अगर आपने वैक्सीनेशन को सेक्सुअली एक्टिव होने से पहले नहीं लिया है तो हमें ये मान लेना चाहिए कि हो सकता है ये वैक्सीन हमें उतना अच्छा असर जितना कि सही समय पर लेने पर दे उतना ये नहीं देगी। अगर हम ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो हम अपनी नई जनरेशन, खासकर अगर हम यंग गर्ल्स को देते हैं तो आने वाली जनरेशन को हम लोग इस जानलेवा बीमारी से बचा सकते हैं। थैंक यू।